एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लफरी शेलकर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जाइटी आरबी सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, ये जो जाइटी आरबी सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है और किस कंडीशन में कैसे लेना होता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप और सरल भाषा में आपको इसको समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करें जो जाइटी आरबी सॉल्यूशन होता है, 10 ml की क्वांटिटी में आती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी एमआरपी की बात करें तो आपको 70 से 80 रुपए में आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो कोलिन सल्सिलेट पाई जाती है। ठीक है, दूसरी जो दोस्तों कंपोजिशन होती है, इसमें वेंजल कोनियम क्लोराइड पाई जाती है। ठीक है, ये दो इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें जो कि खास बनाते हैं इसको। हम बात करेंगे दोस्तों इसके उपयोग के बारे में। तो पहला जो उपयोग होता है माउथ अल्सर में, यानी कि अगर आपके माउथ कैविटी में जैसे कि क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपके गम यानी कि मसूड़ों में हो गया, आपके जीभ में हो गया या आपके चीक में अंदर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। हम थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि माउथ अल्सर होता क्या है। माउथ अल्सर में अक्सर क्या होता है, कब होता है, जैसे कि हमारे माउथ कैविटी में क्या होता है भाई, बैक्टीरिया का संक्रमण होना या फंगल या ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, या फिर हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे चीक या अंदर कट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, माउथ अल्सर का कारण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों माउथ अल्सर के जो कारण होते हैं, हमारी इम्यूनिटी क्या होता है भाई, बहुत वीक होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हमारे बॉडी में विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होना, तो ऐसी कंडीशन में माउथ अल्सर की समस्या आपको देखी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जाइटी आरबी सॉल्यूशन का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके माउथ में बहुत ज्यादा पेन होता है, छाले पड़ जाते हैं, आप खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, आपके गले में दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में माउथ अल्सर की समस्या को खत्म करने के लिए जाइटी आरबी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है दोस्तों, जब भी इसका उपयोग आप करते हैं तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इनहिबिट कर देता है। ये दोस्तों आपके जो माउथ अल्सर होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में क्या होता है भाई, जो पेन के सिग्नल होते हैं, मैसेंजर होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, और जो मैसेंजर होते हैं इन्फ्लामेशन का कारण होते हैं तो उनको ब्लॉक कर ये काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जाइटी आरबी काम करता है। ठीक है, बात करेंगे भाई हम इसके डोज के बारे में, यानी कि कैसे लेना होता है। तो आपको 2 से 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप आप अपने चाहे तो फिंगर टिप से ले लें, फिंगर टिप को अच्छे से साफ कर लें, या फिर डायरेक्ट आप अपने माउथ अल्सर पे ही इसको लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्का सा रब कर दें। ठीक है, हर 3 से 4 घंटे में आप लगा सकते हैं, या दिन में 3 से 4 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके दोस्तों डोज होते हैं, लगाने का सही तरीका होता है। बात करेंगे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो आपको क्या होता है, रेडनेस हो सकती है उस एरिया में, अनकंफर्टेबल फील हो सकती है, इरिटेशन फील हो सकती है आपको। इसके अलावा दोस्तों बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और आपके टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, यानी आप कुछ खाते हैं तो आपको स्वाद में आपकी गड़बड़ी हो सकती है इसके साइड इफेक्ट की वजह से। ओके, तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।